हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस देखा था। रेजोनेंस क्या होगा, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हम किसी मॉलिक्यूल को देख के कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं करेंगे। तो रेजोनेंस की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। अगर कोई मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस शो करेगा। दूसरी कंडीशन है मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, या तो एग्जैक्टली प्लेनर हो या नियरली प्लेनर हो। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, अगर वो कॉन्जुगेटेड भी हैं और वो नियरली या इक्वली प्लेनर भी है, तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस शो करेगा। अब हमें किसी मॉलिक्यूल को देख के कैसे पता चले कि कौन से मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड हैं या नहीं, मैं एक एक करके सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में एलाइलिक कॉन्जुगेशन। अगर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन है कि एक्स डबल बॉन्ड वाई और जेड से स्टार लगा है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब यहाँ पे जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है तो उसका कम से कम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनना चाहिए। तो ये जेड जो स्टार था, जेड से एक्स पे आ जाएगा, और जो पाई बॉन्ड है ये एक्स और वाई के बीच से मूव करके वाई और जेड के बीच में आ जाएगा। एक्स वाई जेड यहाँ पे सेम एटम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। स्टार की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से देखते हैं कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं। फर्स्ट एग्जांपल में अगर देखें तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। और फर्स्ट कार्बन अगर देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की। अगर इस तरह से शिफ्टिंग होती है तो ये कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज था ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल कार्बन जो न्यूट्रल कार्बन था ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखें तो ये मॉलिक्यूल भी कॉन्जुगेशन कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, ये लोन पेयर मूव करेंगे, पाई बॉन्ड एडजेसेंट एटम पे जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिए अगर कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट देखें अगर हम तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ये मॉलिक्यूल भी कॉन्जुगेशन कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम बोरॉन को देखें तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये भी कॉन्जुगेशन कंडीशन फॉलो कर रहा है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, कार्बन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोरॉन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करानी है तो यहाँ पे हाफ एरो बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब अगर इस तरह से शिफ्टिंग करा रहे हैं तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे शिफ्टिंग होने के कारण इन दोनों पे रेडिकल बन गया, यहाँ पर भी रेडिकल, अभी इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, अब इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में ये शिफ्ट हुए तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड बन गया और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग के कारण यहाँ पे एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना जिसपे CH2 पे फ्री वैलेंसी CH डबल बॉन्ड CH2, तो टोटल दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 1 और 2। तो इस तरह से हमने एक कंडीशन देखी कॉन्जुगेशन की, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और स्टार, स्टार की जगह पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैकेंट ऑर्बिटल, ये एक कंडीशन है। कुछ और भी मॉलिक्यूल हैं जिनमें कॉन्जुगेशन हो सकता है। चलिए सेकंड टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखते हैं, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद फिर से एक पाई बॉन्ड आ रहा है तो ये भी कॉन्जुगेशन कंडीशन है, और इस कॉन्जुगेशन कंडीशन में भी मॉलिक्यूल में जैसे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर एक और पाई बॉन्ड,
अगर पाई बॉन्ड नॉन पोलर है, नॉन पोलर मीन्स सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, जैसे यहाँ पे सभी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सभी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर इस तरह शिफ्टिंग होती है तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी और है, शिफ्टिंग अगर इस डायरेक्शन में होती लेफ्ट साइड में, तो इस किनारे वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन अगर पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो अब इस केस में शिफ्टिंग केवल एक डायरेक्शन में होगी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। मान लो अगर कभी गलती से हमने इस तरह से मूवमेंट करा दिया, तो एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज CH, डबल बॉन्ड CH, O पे पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनवैलिड होगा, कभी भी किसी भी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, इसलिए ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा इनवैलिड होगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, हमें इलेक्ट्रॉन केवल इस डायरेक्शन में घुमाना है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CH2 सी ट्रिपल बॉन्डन, यहाँ पर भी पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर शिफ्ट होंगे, कार्बन पॉजिटिव नाइट्रोजन पे नेगेटिव। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर भी देखा जाए तो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। चलिए, दो कंडीशन हमने देख लिया, एक तीसरी कंडीशन देखते हैं, लोन पेयर एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज। जब भी कभी लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल है और इस पर्टिकुलर टाइप के रेजोनेंस को कहते हैं अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट से मॉलिक्यूल को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है, और इसका रीजन ये है कि इस टाइप के रेजोनेंस होने से मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है, और एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनने के कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा इफेक्ट होगा, वो कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे ये कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल है क्योंकि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जिसमें एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन रहा है। और देख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर भी अल्फा इफेक्ट। ये सारे कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है। अगर इन दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें जब मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। अब इसी का एक केस और हो सकता है, अगर नेगेटिव चार्ज के जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या नाइट्रोजन से शिफ्ट हो सकते हैं न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तीसरा केस भी हो सकता है, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करा दें, तो अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ओ, और ऐसा स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये इनवैलिड। लेकिन अगर हम इस तरह से मूव कराते हैं कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बना रहे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैलिड होगा। चलिए एक केस और देखते हैं, पोलर पाई बॉन्ड। अगर कहीं पर पोलर पाई बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो ये एक पोलर पाई बॉन्ड में भी रेजोनेंस होगा। अब यहाँ पे एक मिनट का वीडियो पॉज कीजिएगा आप, और ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कैसे हो रही है। एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट करके नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें एक बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, और ऐसे ये सारे एग्जांपल करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, इस मॉलिक्यूल के जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो बना करके देखिए। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ऐसे यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कराइए। इन सभी एग्जांपल्स को करके देखिए कि आपसे इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए अगर हम देखें, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, तो उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर, दो टाइप के लोन पेयर हो सकते हैं। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो उनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो 3 लोन पेयर हैं, लेकिन डीलोकलाइज्ड केवल नाइट्रोजन का है, तो हम इसमें कहेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं।
लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये लोकलाइज्ड है, और अगर नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये डीलोकलाइज्ड है। अब अगर हम पिरिडीन मॉलिक्यूल देखें तो पिरिडीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होंगे। रीज़न ये है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन के परपेंडिकुलर हैं, वो एक प्लेन में नहीं है, और एक प्लेन में होने कारण ना होने कारण वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एटम के पास लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, और अगर किसी एटम के पास दो लोन पेयर हैं तो उसका केवल एक लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस क्लास में मैंने आपको ये बताया कि कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होंगे, किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होंगे, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किसी मॉलिक्यूल की अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो वो वैलिड है या इनवैलिड है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।